चाह की देख कर दिया कबीरा रो तो पाटन के बीच में तो पाटन के बीच में साबुत बचाना को कबीरा साबुत बचाना को भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मऊ में आज मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये राहुल भाई ने मेरे लिए दिया है। ऐसा है एक्चुअली में, ये एक ही है जो चारों तरफ घूम रहा है। हमने पूछा कहीं कि भैया ये एक माला कैसे, बोले देखिए साहब अभी उनको पहनाई है, उतार के रख ली, अभी दोबारा किसी और को पहनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। कह ये रहे थे कि यहाँ पर सब लोग बेरोजगार हैं, कोई किसी के पास काम है। हम तो सोच रहे थे कि चचा हैं, बहुत ही सयाने हैं चचा, अभी अभी इस बुढ़ापे में कहाँ नौकरी करेंगे। बहरहाल जो हमारे मेहमान हैं उनका एक बार तारुफ करा देता हूँ, परिचय। बीजेपी के अरिजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरिजीत भाई, थैंक यू सो मच। सपा से सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, सुजीत भैया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उमेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका तो पहचानी पीला पटका होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से रमन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब आ गए, अब आ गए इंतखाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पार्टी से विक्रमजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ आ गया घोसी लोकसभा, क्या हुआ? हम भी आए पीडीएम गठबंधन से। कौन गठबंधन? पीडीएम गठबंधन, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से, संयुक्त पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चे से। आप हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। अरे तो अंदर आ जाओ ना, आ जाओ। अब ये ना कहना कि हम बाहर जाएंगे, फिर यहाँ आना आसान है, जाना आसान नहीं है। हाँ तो नहीं, मैदान में तो तुम आए, घर का पैसा फूंक दोगे तभी मानोगे। क्या नाम है आपका? आपका फैन है इसलिए हो रहा है। क्या नाम क्या है? एडवोकेट प्रेमचंद्र क्रांति निषाद मऊ। अरे जो पिताजी रखे नाम वही बताओ पूरा, कितना बड़ा का नाम बता दिया। हाँ, एडवोकेट प्रेमचंद। अरे पिताजी थोड़ी ना एडवोकेट रखे, प्रेमचंद आए है, क्रांति निषाद इसी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष, प्रेमचंद क्रांति निषाद। मेरा नाम पूरा नाम है एडवोकेट प्रेमचंद्र क्रांति निषाद, कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी भी रहा। अच्छा, यही के अध्यक्ष, यही सामने वाले स्कूल के। तो कौन सा गठबंधन बनाया है आपने? पीडीएम गठबंधन से। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान। अरे ये तो समाजवादी वाला है। अरे तो उसी गठबंधन से निकल के आई है पल्लवी पटेल। हाँ, तो आप भी वही से निकले? वो पीडीए बनाए थे। 40 सेकंड पहले समाजवादी पार्टी के, आपको 40 सेकंड देता हूँ अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। आप क्या कहना चाहते हैं जनता के बीच में? पहले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हाँ। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब घुसखोरी की लिप्त में है। आप देख रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार। मैं PhD किया हुआ नौजवान बेरोजगार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। हमारी पार्टी से यहाँ राजू राय साहब चुनाव लड़ रहे हैं और राजू राय साहब के साथ पूरा जनमानस है, यहाँ तक कि सपा के साथ साथ भाजपा के लोग भी हैं। सपा के साथ भाजपा के भी लोग हैं, सपा के साथ भाजपा के लोग जी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी का बदला लेना है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सुभाषपा के, कुछ दिन पहले वो गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले वो योगी जी को और मोदी जी को गाली दे रहे थे, तो आज वो लड़ाई के मैदान में है और सारे लोग चाहते हैं कि उनसे अपना बदला ले लें। तो यहाँ बदला लेने का मौका है, राजू राय साहब जीतेंगे तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ चुनाव है, यहाँ आदमी मरा जा रहा है। देखिए कितना लंबा चुनाव हो गया साहब, कितना लंबा चुनाव हो गया। हाँ जी खड़े हुई है कितना। हाँ जी, जानबूझ के करवाया जा रहा है, बहुत लंबा चुनाव, घोटाला करने के लिए इतना लंबा चुनाव हो रहा है। आज तक के इतिहास में इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था। ईवीएम इसलिए नहीं आया था कि दो दो महीना चुनाव होगा, ईवीएम इसलिए आया था कि 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और ईवीएम इसलिए आया था एक महीने में चुनाव होगा, 4 चरण में होगा। इससे पहले 4 चरण में चुनाव होता था, हम लोगों ने भी देखा है।
नहीं देखिए मैं हाँ की सरकार है। अच्छा कोई बात नहीं बैठिए, समाजवादी पार्टी बैठिए। अच्छा ठीक जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया कह रहे थे कि चुनाव लंबा घोटाला करने के लिए हो रहा है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न अपनी सेना पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, न अपने चुनाव वाले पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सी सोच ये लोग रखते हैं, कौन सी मानसिकता है ये कहीं मानिए। बहुत बढ़िया सोच चल रहा जी जनाब अली जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ, ठग बंधन हुआ है, वो इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सी पार्टी थी इसको छोड़ा गया है। और कौन सा गठबंधन? ये पीडीए जो हुआ है। अच्छा ये जो पीडीए वाले उधर खड़े हैं, क्रांति दल। हाँ पीडीए सपा और कांग्रेस वाला। अच्छा सपा कांग्रेस वाला। अल्लाह अरे अंदर सलाउद्दीन साहब नाराज क्यों है इतना? नाराज इसलिए है कि कोई मुसलमान के लिए कोई वादा नहीं है, कोई संकल्प पत्र में। अरे समाजवादी बात कह रही सर, भी वादा नहीं मुसलमान के लिए, नहीं है कोई भी मुसलमान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक भी नहीं, किसी ने कोई वादा नहीं किया। सलाउद्दीन भाई बहुत नाराज है, तशरीफ रखिये उधर जी। सलमान भाई मैं ये कह रहा हूँ, पीस पार्टी ने जो अभी इंडिया गठबंधन पे जो इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनको एक मिनट में पानी कर दूंगा। इसलिए कि बीजेपी की प्रीति महापात्रा आज के चार या पाँच साल पहले राज्यसभा जा रही थी, पीस पार्टी के सारे विधायक उनको समर्थन किए थे। ये आप देख लीजिए, पूरी पीस पार्टी भाजपा के राज्यसभा को समर्थन किए थे, वो बिक चुके थे। जब वीडियो वायरल हो गई उसके बाद इन्होंने अपना बैक स्टेप लिया। कोई बात नहीं सलमान भाई। अरे ये कोई जवाबी कव्वाली थोड़ी ना है। आपने अपनी बात कह दी, सलमान भाई तो अपने ही है ना, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है, तो हाँ इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे बढ़िया बात कही ना, तो निकल के आगे आओ। तुम्हारा डीएनए और हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क एक ही है, आपकी इबादत का तरीका और मेरी इबादत का तरीका जुदा है, बस बस। और इसके एक ही जगह जाना है, है? एक कहीं जगह जाना। अच्छा एक काम करो, तुम देख के आओ, मैं बताओ आगे कैसी जगह। अच्छा एक बात बताएं। चलो हम भी चल लेंगे। नहीं नहीं एक बात बताएं, तुम देख के आओ हुरे हैं वहां की नहीं है। बिल्कुल। चाचा मुद्दे की बात, मेरे पास आओ। बताइए क्या कहना है आपको? मुझको ये कहना है, है? कि दाल खट्टी हो गई है। दाल खट्टी हो गई है, है? कितना भी तड़का लगाओगे, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सीडियाई, बीबीआई, सीबीआई, और जो है हिंदू मुसलमान, हलवाई, हाँ कुल कह दीजिए, लेकिन तड़का काम नहीं आने वाला है, दाल खट्टी। कहते हैं कि दाल खट्टी हो गई है। जी नमस्ते। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा क्या काम करते हैं साहब? जी हम यहाँ के सभासद हैं। अरे सभासद हैं? देखो मैंने पहचाना सही कि नेता टाइप आदमी लग रहे हैं मुझे। बोलिए साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे लोगों का जो मुद्दा जो चल रहा है, हाँ? यहाँ पे 401 सीटें आने जा रही है। कह रहे हैं कि दाल खट्टी हो गई है। इन लोगों अभी रोने का जो आएगा, क्या नाम है, 4 तारीख के बाद, कि कहेंगे ईवीएम में घपला हो गया है, यहाँ पे 401 पार करने जा रहे हैं और यहाँ पे माननीय मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है, और ईवीएम का रोना रोएंगे ये लोग, ईवीएम का रोना रोएंगे। अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के, जो इधर 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है जी, वो नफरत के माहौल में जो ये सरकार चला रहे थे, न तो नौकरी दी, न तो नौकरी दी, महंगाई पे कहीं रोक नहीं। आपको सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन पे इन्होंने जो है बॉन्ड लेकर, पैसे लेकर, घूस लेकर, ये हमारे वैक्सीन के लिए जो प्रचार करते थे वो आपने सभी लोगों ने लगवाया होगा, हमने भी लगवाया, लेकिन इसके बावजूद जो है आज उनके सर्टिफिकेट से फोटो मोदी जी के क्यों गायब हो गए? कारण साफ है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन गलत है। सीधी सीधी बात ये भी है कि आने वाला जो उन्होंने भाइयों ने कहा कि 401 आने वाला 1 तारीख इलेक्शन के बाद जो आप 400 का नारा लगा रहे हैं, 4 तारीख को इनको तड़ीपार होना पड़ेगा, ये निश्चित है, और ये तड़ीपार होकर भागेंगे। इसमें और भी है, मेरे राहुल गांधी जी ने वादा किया है अगर मेरी सरकार आती है
तो मैं 30 लाख बच्चों को नौकरी नवंबर तक देंगे। हम बीए पास लड़कों को भी, जो बीए पास लड़के हैं अप्रेंटिस, ये उनके जो है पढ़ने के बाद अप्रेंटिस करते हैं 8,500 रुपये यानी ईयरली हम 1 लाख रुपया देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। हाँ जी बोलिए आपका मुद्दा। मुद्दा तो अब कुछ रह ही नहीं गया है, मोदी ने तो मुद्दा विहीन कर दिया है अपोजिशन वालों को। अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं रह गया तो कौन आ रहा है? जो ढंग का पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सर्विस भी मिल रहा है, ये भी नहीं है कि ना मिले। एक एक करके आओ, इधर आओ, बताओ कौन कौन से मुद्दा। सर बेरोजगारी का मुद्दा आप देख रहे हैं। एक मिनट देखिए भैया साहब, भैया जी देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा और सर भाई ये क्या कर रहे हो यार। हाँ जी, जैसे सर आपने कहा कि नेताओं की पेंशन खत्म हो जाए, शिक्षक की पेंशन में तैयार है, तो इसको खत्म तो करिए नेताओं की पेंशन। पांच एक बार सांसद बन गए वो नेता कहते हैं कि मुझे तो 1 लाख रुपए की चाय पिलानी पड़ती है हर महीने में। सर ये तो मैं रह जाता, लेकिन 1 रुपए में उनका आवास का तो खर्चा हो जाता है, 1 रुपए क्या नाम है कि भोजन सब चीज का 1 रुपए लिया जाता है। बोले मुद्दा तो नहीं खत्म है, मुद्दा विहीन तो नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। बोलो खड़े हो जी। हाँ बोलो, रुको। अरे अरे तुम हो बिल्कुल एकदम सूरज। अरे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम आलोक सिंह है। और पिताजी का नाम? मैं पूर्व प्रधान। अरे पिताजी का नाम? श्री समर बहादुर सिंह। हाँ बहुत अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं प्रधान हूँ। हाँ? पासा बड़ी, प्रधान बड़ी ग्राम सभा का। अरे कि राजीव राय पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, उनके जैसा आपने 100% डिबेट किया होगा उनके साथ। घोसी की जनता ये जान चुकी है कि मेरी आवाज संसद में कोई ऊंचा कर सकता तो सिर्फ राजू राय एक ऐसा आदमी है जो अपनी आवाज जनता के बीच में ले जाकर पेश कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी भाषा से, अपनी विचारधारा से आज उनके लड़के को नीचे बैठा के, यही डिप्टी सीएम आए थे और ठेंगुने के बगल आपने टीवी पर देखा होगा, बैठा के पर छुआ जा रहा। अगर भाषा ऐसी नहीं रहती, मोदी जी को बोले, योगी जी को बोले, आम आदमी को। कल मेरे साथ आए तो मेरे नेता को सफाई भेज रहे थे कि उनको सफाई, तो उनका घर है, वो दीपक जलाने नहीं जाएंगे, होली मनाने जाएंगे, उनको सफाई। तो इस तरह की भाषाओं से चुनाव उनका खत्म हो चुका है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तरफा चुनाव जीत रहे। जी बोलिए जनाब, चुपचाप बैठना। हाँ, बोलो। प्रधान जी ने कहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो उनके जानकारी में कम से कम बता दिया जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं 3 विषयों से PhD हैं, 3 विषयों से PhD हैं। और रही बात दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता मानता है और देवता मान के जो है कि उन्होंने प्रणाम किया था, न कि जो है कि उनको नीचे झुकाया गया था, उन्होंने कार्यकर्ता को देवता मान के प्रणाम किया था, इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं सभा के लोग। ठीक, अगले 40 सेकंड सुहेल दो पार्टी के, 40 सेकंड आपके, कैंडिडेट आप ही के हैं यहाँ से। समाजवादी पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आते हैं, उनकी प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि संविधान जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जितने वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने लंबे करीब 21 अमेंडमेंट किए संविधान में, मैं उसका ब्यौरा आपको दे सकता हूँ अगर आपके पास समय हो। दूसरा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो टिप्पणी की, पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, PhD है, कई विषयों में परास्नातक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन, जनार्दन का अर्थ भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, जनार्दन के अगर आगे हम बार बार नतमस्तक हो गए, फिर होंगे और सदैव होंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर जिस मंच पर जाते हैं, मुझे उनकी कई रैलियों का संबोधन करने का मौका मिला है, मैंने उनको जनता जनार्दन को दंडवत होते देखा है, और सनातन धर्म में दंडवत होने की परंपरा है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रधान जी। ये दंड जनता जनार्दन के सामने यदि प्रत्याशी दंडवत होता है तो ये जनता के लिए हमारा उनसे आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। जी बोलो बेटा। शुभम नाम है, मैं माननीय सपा की जो प्रवक्ता सुजीत सिंह, वो अभी बोले हैं कि मैं PhD किया हूँ और बेरोजगार हूँ, तो मैं यहाँ उनको बता सकता हूँ कि PhD किया हुआ व्यक्ति कोई भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे महाविद्यालय में PhD विद्यार्थी खोजा जा सकता है और उनको नौकरी में। और मैं ये भी बता दूँ कि उनकी, रुके भैया रुके,
और बकारो उनकी सुनिए उनकी खुद की दो महाविद्यालय है और वो स्वयं पूर्व वाला ब्लॉक विधायक रहे हैं, तो मैं उनको आरोप लगा कहूँ वो झूठ बोल रहे। इनके दो महाविद्यालय हाँ, दो विद्यालय हाँ, और ये पीएचडी भी हैं, समाजवादी वाले हाँ, और क्या है, और क्या क्या है बताओ यार। और पूरे ब्लॉक प्रमुख रहे। अरे मैं ईडी वाला नहीं हूँ जो परेशान ना हो, आराम से बताऊंगा हाँ। मैं विद्यार्थी वर्ग कार्यकर्ता हूँ, सबको जानता हूँ, और इनके पिता पूरे विधायक रह चुके हैं। और माननीय मैं आलोक भैया से कहना चाहता हूँ, एक मिनट मैं आलोक भैया से कहना चाह रहा हूँ कि अभी ने इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अपशब्द बोल के हैं, तो मैं क्या कहूँ, जब उन्होंने अपशब्द बोला तो उस समय इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, और मैं क्या जो सपा में जाता है वो गुंडा हो जाता है, और छपा के लोग हमेशा भ्रष्टाचार करके रखे हैं। और नमस्ते, क्या नाम हो गया आपका साहब? अब्दुल कुद्दूस अंसारी। अब्दुल कुद्दूस अंसारी साहब, ये कहते हैं हमारी, क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 21 साल। 21 साल का है, और कहते हैं कि जो भी आपकी पार्टी में जाता है, रुको, जो भी आपकी पार्टी में जाता है वो क्या हो जाता है इनकी पार्टी में जाके? गुंडा हो जाता है। और हमारी पार्टी से जब ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे, ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो उन्होंने अपने मंच से कहा था, योगी जी अगर सरकार बने नहीं बनी तो गोरखनाथ की मंदिर में कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेंगे। भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, उनको तो इतना शर्मानी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री को इस तरह की गंदी भाषा बोल सकता है और उसको पुनः दोबारा वोट देने की बात करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान कुर्सी पाने के लिए, सीट जीतने के लिए इतनी गंदी कौन सी पार्टी? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का 5 साल जिला अध्यक्ष भी रहा। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े आदमी है। अंदर आओ, जिला अध्यक्ष है? जी जिला अध्यक्ष रहा। और टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट नहीं मिला है। ओम प्रकाश राजभर टिकट में बेच दिए। कौन? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच दिए? बेच दिए, यही के टिकट बेच दिए। और आप कौन सी पार्टी के? हम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के। अच्छा ठीक है जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने कहा ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 18 साल मेहनत किया हूँ। ओम प्रकाश राजभर अभी भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं, भाजपा के योगी बाबा को कहे ललका साड़, उजर का साड़, करीवा साड़, पानी में डूबा डूबा के मारने की बात किए, उनको भीख दे मंगवाने की बात किए ओम प्रकाश राजभर। और अभी ठाकुर ब्राह्मण दूसरे अधिकार केवट बिंद बड़ा धनकर भी आतन कुटी पश्चिम वनवासी खटेक नाव धोबी हरकुमसी लोध खंगार बुझवारा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और मैं बहुत संक्षेप में 40 सेकंड में सारी सवालों का जवाब देता हूं। भाई देखिए, सुनिए भाई, बैठो, ये लाइट गिर जाएगी। जब 2014 में हम सत्ता में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 12वें स्थान पर थी, और आज हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं। ये विश्व स्तरीय आंकड़ा है। दूसरी बात, हम विकास, गरीब कल्याण, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में केवल 7 एम्स थे। एम्स हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे, आज 22 एम्स हैं। 14 में 4 मेट्रो सिटी थी, आज देश में 20 मेट्रो सिटी है। 14 में 6048 किलोमीटर केवल एक्सप्रेसवे की लंबाई थी, और आज 30,000 कुछ समथिंग जो है एक्सप्रेसवे की लंबाई है। 14 में MBBS की सीटें 51,000 थी, आज 1,02,000 है।
ये सब रिकॉर्डेड तो आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोलेंगे आप। और सुनिए, एक मिनट दीजिए, नहीं सुनिए, वो झूठ बोलेंगे उसके बाद जब मैं मौका दूं। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी आंकड़ा झूठा हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं वैसे फर्जी नेता में से नहीं हूं। और इंडी गठबंधन, दोबारा पूछा था आपसे, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, आई एन डी आई ए उसको इंडी अलायंस है, वो इंडिया गठबंधन नहीं कर सकते हैं। आई एन डी यानी इंडी अलायंस, इंडी अलायंस के लोग हैं और ये लगातार ऐसा ही आरोप लगाते हैं। 2014 में हम हराए, 2017 में हराए, 2019 में हराए और 2024 में भी पूरी तरह से। मैं आ जाओ, आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, आओ उधर आओ, यहाँ आओ, मैं आ जाऊँ। अरे ये कांग्रेस का नेता है, बड़ा नेता है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, क्या नाम है? मेरा नाम रमन पांडे है और आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे वो आंकड़े की बात कर रहे थे। हाँ। इस देश में 40 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी है, 40 सालों में अधिकतम बेरोजगारी है। ये 2022 तक किसानों के फसलों का दाम दूना करने वाले थे। और मैं बताऊं सर जी आपसे, कितने बड़े बड़े लंबी कील दिल्ली बॉर्डर पर किसके लिए लगाए थे? एक किसानों को, खालिस्तानी बोलने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी बोलने वाले लोग हैं जो धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, उसको ये लोग पाकिस्तानी और खालिस्तानी बोलने वाले लोग और फर्जी आंकड़ा लेकर के, और ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक छुरछुरिया पार्टी के साथ घोसी में समझौता किए हैं। अरे क्या, नहीं ऐसा कर रहे हैं आप? आपको संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास है तो छुरछुरिया बोलते हैं इनको? शर्म आनी चाहिए, अपना छुरछुरिया बना नहीं पा रहे हैं। समाजवादी सुनो, अरे भैया समाजवादी तुमको टिकट दे रही है, सीटें दे रहे हैं, ये आलम आ गया। यहाँ जनता भी तैयार, अच्छी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, भैया जी और पाजी मिलकर पूछ रोज सभा, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं यहाँ से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मऊ छोटा जिला है और यहाँ बुनकर बहुत काफी तादाद में है। बुनकर है यहाँ, बुनकर बहुत काफी तादाद में थे, बुनकरों की बात कोई नहीं किया। मैं ये बुनकरों का पक्ष रखना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुनकरों को सब्सिडी दी थी ताकि जो छोटे बुनकर हैं, जो कम पैसे में बुनकर का काम करते हैं, वो चल सके। मोदी जी ने भी योजना बनाई है बुनकरों की। मोदी जी ने सब्सिडी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश में, बुनकर लगातार तो बिजली नहीं आ रही है, बिजली आ रही है, सब्सिडी नहीं है, 72 रुपए का सब्सिडी नहीं है, बुनकर दौड़ रहे हैं अपने सब्सिडी को बहाल करने के लिए। रही बात, ठीक मोहम्मद नईम बुनकर हैं आप? जी सर, बुनकर से बिलोंग करते हैं। क्या बुनते हैं यहाँ पे जो चीज बुना जाता है? सबसे ज्यादा साड़ी बुनी जाती है। मैं इंतजाम अंदर आई, बुनकर हैं और साड़ी बुनते हैं, तो यहाँ पे साड़ी जो मैक्सिमम प्राइस की बुनी जाती है वो कितने रुपए तक की बुनी जाती है? सर यहाँ पे 150 रुपए से लेकर के आपको कम से कम 3000 रुपए 4000 रुपए तक की साड़ी, 4000 रुपए की साड़ी तक ये मऊ में बुनी जाती है। उसकी यहाँ पे जाति कहाँ कहाँ पूरे देश भर में? ऑल इंडिया जाती है, इंडिया से बाहर भी जाती है। बहुत अच्छा, अब आप सवाल करिए। हाँ जी, सवाल नहीं है सर, हम लोग कहना ये चाहते हैं कि बुनकरों की बात कोई नहीं उठाता है। हाँ, और अभी भैया ने उठाई जी। हाँ, अभी मेरे सामने। हाँ, और हम लोग इंडिया के गठबंधन वाले लोग हैं, आई एन डी आई ए वाले, इंडिया जी। हाँ, जी आई एन डी आई ए, आप कहिए, आपको जो कहना कहिए, मैं जो कहता हूँ वही कहूँ। जी 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 जी
जब वो बोलते हैं इंडी तो मैं कहता हूँ नहीं INDIA, तो मेरा बराबर है मामला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और सर यहाँ पे भाई रुकिए, कौन पहने साड़ी? सर हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यू हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। और सर हम लोग ये बुनकर की धरती है और बुनकरों यहाँ पे और बुनकर से सब कोई जुड़ा हुआ है सर। यहाँ पे बुनकर सर समझिए कि 300-400 रुपया दिन भर में काम करता है, वो कैसे सर पूरी परिवार को काम चला। अच्छा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? बिजली आती है सर, लेकिन जो अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हम लोगों को सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी ये सरकार ने खत्म कर दिया है। सब्सिडी? हाँ जी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अशोक पहलवान, इसलिए तुमको खड़ा रखेंगे, देखेंगे कितना तुम्हारे अंदर बाल पावरुख है। ये शर्त नहीं है। तो 3 बजे से आए थे? मैं 4 बजे से आया। 4 बजे से कार्यक्रम आपका पूरा सेट करवाया। तुम सेट कराए हो? अरे वाह क्या बात है। अच्छा बोलो। मैं आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सवाल का जवाब? आपके सवाल का। अच्छा बताओ, जो 2 महीने में आपने कहा कि चुनाव हो रहा है, सबसे महायुद्ध, सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत मात्र 18 दिन में खत्म हो गया था। वाह यादव जी। दूसरी बात, मैं 18 वहां तो कृष्ण भगवान थे, या भगवान थे, यहाँ भगवान बनने की कोशिश। एक कह रहे बुनकर भाई कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ऑटो चलाता हूँ, यहाँ ऑटो चलाता हूँ, मैं पूरा बुनकर भाई को मशीन लाद के ले गया हूँ गाजीपुर तिराहा से। एक कह रहे कि कुछ नहीं दे रहे बुनकर भाई, एक कर मतलब 48 घंटा लाइट गायब कर दे, वही सही है। एक मिनट, आप भी चल जाइएगा बाजार में, चल जाइएगा भाई। सुनो भाई, देखो ये तुम्हारा प्रेम से सुना बात, सुनो तो। हाँ जी, बाजार में अभी चल जाइएगा, खटपट खटपट खटपट, कान दर्द करने, क्या मोदी जी का देना है सर, सुनाई चल रहा है। हाँ आओ सनम, जाओ सनम, आओ सनम, जाओ सनम, आओ सनम, जाओ सनम। ये क्या है? 24 घंटा लाइट चल रहा है, चाप के दम, चाप के चल रहा है, चल रहा है दम। और तुम क्या हो? हम ऑटो ड्राइवर है भाई। ऑटो ड्राइवर जी? ऑटो ड्राइवर, गाड़ी खड़ी है मेरा, वहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। एक अरे काम नहीं हो रहा है, चावल नहीं मिला, राशन नहीं, क्या नहीं मिला, सब मिल रहा है इनके राज में। हमें जो है ड्राइवर नहीं, हमें जो है आइस बनाना है, पीसेस बनाना है, इस तरह के लोग चाहिए। हमें जो है मोदी का पकोड़ा नहीं बेचना है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। और आज के डेट में जिस तरीके से इन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री को बदला, ये अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये 75वां साल इनका होने वाला है, उससे बढ़िया रहता है इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इस मंच पे कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया, उनको लगा दें। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बढ़िया है, उनको कर दें। रिटायरमेंट कब बोलेंगे ये जनता जानना चाहती है। सबसे पहले प्रणाम सर, खुश रहो। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, देखो एक बात सुना करो, मैं डांटता नहीं हूँ। नहीं नहीं सर। हाँ जी बोलो। वो आपका तरीका है मेरा, मैं जानता हूँ। हाँ। सर इनको ही पेंशन मिल गया तो रोजगार किसको मिलेगा? सरकार इन्हीं को अगर सारी पेंशन देती जाएगी तो आम आदमी, इतनी टीचर है बेचारे, इतनी जनसंख्या है, इनके घर में सबको रोजगार चाहिए, सबको पेंशन चाहिए, तो आम आदमी को रोजगार कब मिलेगा, कब मिलेगा ये बताइए। ये देश में मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक साथ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना किसी का झंडा पहना हूँ। जब तक देश में जाति धर्म की राजनीति नहीं खत्म होगी, देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए, जब तक इस देश में, जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म करनी चाहिए, इस जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म करनी चाहिए सर, और तभी इस देश मानव से की जात, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, इस देश की उन्नति होगी। सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, लेकिन सच में किसी को गरीब की चिंता नहीं है, सिर्फ सबको अपनी रोजी रोटी की किसी को नहीं चिंता है, सिर्फ अपनी सबको फॉर्चूनर रोटी की नहीं चिंता है, रोटी जब चली जाए उसके बाद रिटायरमेंट की भी चिंता है, फॉर्चूनर की चिंता है, सबको ठेकेदारी की चिंता है, सबको बिल्डिंग की चिंता है, गरीब की चिंता किसी को नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस देश की 70% जनसंख्या 5 किलो राशन पे डिपेंड कर रही है, अगर इसको विकास कहते हैं तो हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमको नौजवानों को 10 किलो कैसे दोगे? हम जब नौकरी दे देंगे उसके बाद कोई राशन लेने नहीं जाएगा। तो 10 किलो पहले हम नौकरी देंगे, हमारा चार्ट देंगे, पहले नौकरी दोगे की 10 किलो? पहले नौकरी देंगे, बाद में 10 किलो? पहले नौकरी, नौकरी के बाद वो नौजवान राशन की कतार में खड़ा नहीं होना।
पहले उन्होंने भी 10 किलो का वादा किया है, पहले बोले कि हम नौकरी दे देंगे। एक मिनट भैया जी, ये राशन की बात कर रहे हैं, इनके सरकार में राशन नहीं मिलता, ये पैसे पे देते थे, मोदी फ्री में दे रहे हैं। जब गोदाम में अनाज सड़ रहा था तब कहाँ थे आप लोग? जब गोदाम में अनाज सड़ रहा था तब कहाँ, याद नहीं आई गरीबों की? अब मोदी जी फ्री में दे रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। भैया जी, आप शुरू में प्रश्न किए थे शिक्षकों को पेंशन और एक भाई को पेंशन कैसे मिलेगा जो कि किराने की दुकान किया हुआ है। जब ये राशन दे रहे हैं तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, पेंशन की तो बात बहुत दूर है। तीसरी बात अपने अधिवक्ता समाज के लिए कहना चाहता हूँ, सरकारों का मैनिफेस्टो आया है लेकिन किसी मैनिफेस्टो में अधिवक्ता के हित की बात नहीं कही गई। पेंशन चाहिए, पेंशन ना मिले, अधिवक्ता कल्याण निधि मिल जाए, यही बहुत उत्तम है। बहुत अच्छा। हाँ बोलो, क्या कर रहे? यहाँ आ गया, मैं आ जाऊँ। क्या बोले? वही क्या बोले भैया ने अभी कहा? क्या नाम, आप क्या काम करते हैं? राघवेंद्र प्रताप सिंह, छात्र हूँ। छात्र? आप एडवोकेट नहीं है? नहीं, एडवोकेट नहीं। बोलिए। भैया ने अभी कहा कि 4 करोड़ 85 करोड़ जो राशन, हर परिवार के इनको पता होना चाहिए कि एक जो एमबी होती है एक सदस्य को 5 किलो मिलता है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद ये बता रहा हूँ, हाँ तो वही बता रहा हूँ, आप एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद रही राशन की बात, हर घर में लगभग 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने गैस दिया है। गैस जो कभी महिलाओं की जरूरत हुआ करती थी, आज महिलाओं के लिए जो है पूरा जो धुएं से जो बच रही है वो इनकी सरकार से, हमारी सरकार ने मुक्ति दिलाई है, प्रधानमंत्री जी ने दिलवाया है। ये बोले केरोसिन की जरूरत ही नहीं है जो हमें उज्ज्वला मिल रहा है। इतनी देर से पुरुष बोल रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे, अब जब मैं बोल रही हूँ एक महिला, आप बोलिए सुनिए उस चीज को। महिलाओं पर अत्याचार तब तक नहीं बंद होगा, एक ही महिला थी जिससे पुरुष डरे थे और वो थी फूलन देवी। जब तक उसने अत्याचार सहा था तब तक वो अत्याचार सहती रही, एक पीड़ित के रूप में बनी रही, लेकिन जिस दिन उसने बंदूक उठाई थी उस दिन सबको झुका के रख दिया था। आज मैं यहाँ पर जितने भी पुरुष समाज है, मैं इन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, सभी सभ्य समाज के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सभी सभ्य समाज के लोग हैं। अगर कोई भी महिला रास्ते में किसी तकलीफ में होती है तो इसमें से कितने लोग उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल, आज भी ये लोग जनता मतलब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है नहीं होना चाहिए था, सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सोचने वाली बात है, मैं इसी सभ्य पुरुष समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि आम बात में अपनी कुंठा व्यक्त करनी हो या खुशी जाहिर करनी हो माँ बहनों की गालियाँ। सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद खान है, मुझे इस बात की दुख है कि आप लोग रोजगार को छोड़कर राशन पर बहस कर रहे हैं, वो भी 5 किलो राशन एक आदमी। अरे वो 10 किलो देंगे कांग्रेस। बात तो मैं बात कर रहा हूँ सर, 5 किलो राशन एक आदमी को मिलता है जिसमें 2 किलो गेहूँ मिलता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2 किलो गेहूँ 1 महीने तक खाएगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कौन दे सकता है जवाब? तो 10 किलो कैसे खाओगे? तो वही पूछिए, नहीं तो उनसे पूछिए कि वो तो उनसे पूछो तो बताओ तुम 10 किलो कैसे खाओगे? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि राशन को हटाकर रोजगार पर आप आइए। राशन हटा दीजिए। तो सर, मैं भी उस तरह के बच्चे से आज 12 साल से पीड़ित हूँ। और एक मिनट सुन लो बेटा, तुम्हारे बच्चों की बीमारी के बारे में बता रहा है, और हो सके तो बनाना इसका जी। पूरे देश में इस समय सर 1000 पीछे 8 बच्चों में ये रोग हो रहा है और छोटे बड़े सबको हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि मैं अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उससे विनम्र निवेदन करूंगा कि इतने आपके सरकारी स्कूल हैं हर जगह पर हैं, कम से कम उन बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देने के लिए, उनको स्पीच थेरेपी देने के लिए, इलेक्ट्रोथेरेपी देने के लिए तमाम सुविधा दे सकें उन बच्चों को। यहाँ से 200 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं, वो भी मिलिट्री का स्कूल है रेड ईगल करके इलाहाबाद तेलियरगंज में, बाकी कहीं भी कोई इसका स्कूल नहीं है। हम लोग छोटे छोटे किसी तरह कमा करके अपने
घर चलाने वाले लोग हैं। अभी हाल ही में मेरे बच्चे का एम्स में ऑपरेशन हुआ है और एमईजी एक उसमें एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पैदा हो रहा है। वहाँ पे भी उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं मोदी से भी आग्रह करूँगा कि वहाँ के लोगों को सैलरी जल्द से जल्द मिले और उत्तर प्रदेश योगी गवर्नमेंट से यह अनुरोध है मेरा कि जितनी जगह भी हर शहर में एक किसी सरकारी स्कूल में उसके लिए एक स्पेशल टीचर रखें जो स्पीच थेरेपी बच्चों को। क्या नाम है आपका? रितेश मेहरोत्रा। रितेश जी, हकीकत के शीशे पे पर्दा लगा हो तो उसको हटाना शरारत नहीं है, और फेंका हो समंदर में पत्थर किसी ने तो लहरों का उठना बगावत। हम समाजवादी बगावती हैं और आज कह रहे हैं कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी। लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, 4 तारीख को पूरा फिर मिलेंगे। ये विपक्षी दल के लोग मतदान के दिन तक ऐसे ही थरथराई करते रहेंगे और 4 जून को विजय हर हर मोदी होगा, हर हर महादेव होगा, ऐसा ही।